मोहिनी। माँ, पापा, आप लोग ठीक है ना? मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप लोगों पे तलवार उठा दी। नहीं मोहिनी, वो तलवार तुमने हमें मारने के लिए नहीं बल्कि बचाने के लिए चलाई थी। देखो बिल्कुल ठीक है हम। अपनी तकलीफ को इस तरह आंसुओं में मत बहाओ मोहिनी, उन्हें इकट्ठा करो, ये उस महामाया से लड़ने के काम आएंगे। ऐसे कई मौके आएंगे जब तुम्हारे सामने दो रास्ते भी नहीं होंगे, बल्कि आर या पार में से तुम्हें सिर्फ पार को ही चुनना होगा। और ये सब कुछ मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तुम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि इस पूरे नाग वंश के लिए लड़ रही हो। और लड़ाई के दौरान अगर हम में से किसी एक को मारकर अगर तुम्हें सभी को बचाने का मौका मिल जाए तो तुम्हारे हाथ जरा से भी लड़खड़ाने नहीं चाहिए। और यही मेरा आखिरी सबक है मोहिनी, ये तुम्हारा ही नहीं बल्कि पूरे नाग वंश का बदला है जिसे तुम पूरा करोगे। मुझे शक्ति दीजिए भुजा, इस बार मैं महामाया से अपना इंतकाम लेकर ही लौटू। तुम तैयार हो मोहिनी? पूरी तरह से तैयार हो तुम? जाओ, आज से लेकर नाग पंचमी तक तुम्हें उस महामाया के साथ उसकी हवेली में रहना होगा, क्योंकि नाग पंचमी की रात को तुम्हारी शक्तियां दुगनी हो जाएंगी और मौका पाकर तुम उस महामाया का अंत कर अपने सभी साथियों को छुड़ाओगी। लेकिन याद रहे, ये शक्तियां तुम्हारे साथ बस कुछ ही समय के लिए होंगी। एक बात कांट बांध लो मोहिनी, चंद्रमा के दूसरी पहर से पहले हर पल हर घड़ी तुम्हारी जान को खतरा होगा। तुम सत्य की लड़ाई लड़ने जा रही हो, सत्य की, और नाग देवता हमेशा तुम्हारे साथ है, हमेशा।